हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि मियाई को अब होश आ चुका है, और ये बात नीचे सुन लेती है, जिसके बाद वह भड़क जाती है और फिर सोचती है ये मियाई मरती ही नहीं। अब इट से जाकर बात करती है कि मियाई को होश आ गया है, तो वह बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यह सुनकर वह कहती है मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है। और अब ये दोनों दूसरी जगह पर आकर बात करते हैं ताकि इनकी बातें कोई सुन ना ले। और इट अब उसे साफ साफ पूछता है तुम मुझे बताओ कि रासमय की बॉडी कहाँ पर है। तो वह कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब इन दोनों की इस बारे में बहस होने लगती है और इट उसका गला दबाने लगता है और पूछता है कि रासमय की बॉडी कहाँ है। तो वह कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और फिर बोलने लगती है मुझे बस इतना पता है कि तुमने रासमय को मारा है और कीति पिंप को भी तुमने ही मारा है। और फिर उसे धमकी देती है कि वह इस बारे में सबको बता देगी। तो वह कहता है ठीक है, जिसे बताना है बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसके बाद तुम बच पाओगी। और फिर उसे वहाँ से बुरा भला कहकर चली जाती है। और हम क्या देखते हैं कि वह इट का एक बटन ले आई है और कहती है तुमसे तो मैं जल्दी छुटकारा पाऊंगी। अब यहाँ पर साई, लीता और नरेश होते हैं और यह तीनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कॉमेश आता है और नरेश से कहता है उन दोनों बाप बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला है, अगर अभी भी कुछ पता नहीं चलता तो मैं अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और फिर उसकी नजर जाती है लीता पर और लीता उससे कहती है तुम तो डॉक्टर हो ना, इन्वेस्टिगेशन। तो कॉमेश नरेश से मदद के लिए बोलता है, लेकिन उसके पास किसी का फोन आ जाता है और फोन पे उसे पता चलता है कि साई की कार मिल चुकी है। तो यहाँ पर लीता कॉमेश से बहुत सारे सवाल कर रही होती है, तो वह कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। और उसे फाइनली बता देता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और साथ में उसे ये भी बोलता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। और ये बात सुनकर लीता थोड़ी देर के लिए वैसे ही खड़ी होती है और फिर उसे मारने लगती है और बोलती है तुम टॉपिक चेंज मत करो, पूरी पूरी बात मुझे बताओ। तो वह बोलता है कि मैं यहाँ आइडेंटिटी छुपा के इसलिए रह रहा था ताकि मैं नरेश की मदद कर सकूं सही कल्प्रेट को पकड़ने में। तो वह उसे थैंक यू बोलती है उसकी भाई की मदद करने के लिए और कहती है तुम चिंता मत करो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और जाने लगती है। तो वह उसे रोकता है और कहता है मुझे पता है तुम किसी को नहीं बताओगी, और फिर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अब यहां पर यह पहुंच चुके होते हैं जहां साई की कार है वहां पर, और यहां इट भी होता है। अब यहां पे इन्हें पता चलता है कि उन्हें उन गुंडों के बारे में कुछ नहीं पता चला, केवल कार मिली है। अब सोमसरी को वो पैसे मिल जाते हैं जो घूमे थे, और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट से गायब हुए हैं। अब यहां इट जॉन पहुन से फोन लगाकर कहता है इससे पहले कि सोमसरी को कुछ भी पता लगे तुम उसे मार दो। और अब साई और नरेश उसे आकर कहते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं मियाई के पास। यहाँ हॉस्पिटल में मियाई डॉक्टर से कह रही होती है कि मेरा नारिन जिंदा है, और वह किसी के कंट्रोल में आ ही नहीं रही होती। अब यहाँ सोमसरी किसी को मैसेज करने ही वाली होती है तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, और ये तो एक और पैन होते हैं, लेकिन वह फिर भी डर जाती है। और जॉन पहुन बाहर खड़ा होता है क्योंकि इन दोनों के चक्कर में वह अंदर नहीं जा पाया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, मियाई यहाँ भाग रही होती है और सही वक्त पर नरेश और साई पहुँच जाते हैं इट के साथ। और यहाँ पर भी फिर मियाई चालू हो जाती है, कहने लगती है कि उसका बेटा जिंदा है, मैंने उसे देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। और मियाई साई से भी कहती है तुम नारिन को कितना मानती थी, तुम ढूंढो ना उसे। तो वह कहती है हमें भी नारिन की चिंता है, लेकिन अभी तो उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और डॉक्टर उसे ले जाते हैं और नरेश बहुत दुखी होता है इसकी ऐसी हालत देखकर। अब यहाँ एक जॉन पहुन से बात कर रहा होता है, जॉन पहुन कहता है मैं बस पहुँचने ही वाला था सोमसरी तक, लेकिन वहाँ एक और पैन पहुँच गए, लेकिन मैं फिर से ट्राई करूंगा। और वहाँ थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है, तभी उसे कांच में रिफ्लेक्शन दिखता है नारिन का, और जब वह पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, और फिर वह सोचता है शायद मैंने मियाई की बातों पर ज्यादा ही ध्यान दे दिया। यहाँ नरेश थोड़ा अपसेट था तो साई से चेयर अप करती है। यहाँ सोमसरी इन दोनों से कहती है कि उसे उन पैसों के बारे में पता चल गया है, लेकिन वह उन्हें पूरी बात नहीं बताती और चली जाती है। अब यहाँ पे इन दोनों का लवी डबी रोमांस चल रहा होता है और साई के पास फोन आता है पैन का, और उसे बताती है कि सोमसरी को वो पैसे मिल चुके हैं,
तो वहाँ पूछती है सोमसरी कहाँ है, क्या हम उससे बात कर सकते हैं, क्या वह वहीं पर है। तो वहाँ कहती है नहीं वो तो चली गई। और इधर सोमसरी अपने घर जा रही होती है और हम क्या देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब साई सोमसरी के पास फोन लगाती है और वह फोन उठाती इससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है और उसके सर में लग जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है ये नीचा है और नीचा उसे कहती है तुम्हारी वजह से मैंने जो चोरी किए थे पैसे उनकी सच्चाई सामने आ गई और उसे मार देती है। अब साई यहाँ फोन ट्राई कर रही होती है नहीं लगता तो उसे थोड़ी चिंता होती है और वह नरेश से कहती है। अब नरेश फोन लगाता है कॉमेश के पास और उससे बोलता है तुम कहाँ पर हो। तो वह कहता है मैं लीता के साथ लंच कर रहा हूँ। तो वह कहता है तुम लीता के साथ हो, चलो अच्छा है। और उसे कहता है कि सोमसरी फोन नहीं उठा रही है, लीता को उसका घर पता है, सो तुम उसके साथ जाओ और देख कर आओ कि सोमसरी फोन क्यों नहीं उठा रही है और वह ठीक है ना। अब ये दोनों जा रहे होते हैं और नीचा इन्हें रोक लेती है और आपको तो पता ही है वह क्या कहेगी। वह बोलती है कि तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो। और यह सारी बातें सुनकर कॉमेश अकेले जाने को कहता है और चला जाता है, लेकिन लीता काम आने वाली है तो वहाँ भी उसकी माँ का हाथ झटक कर चली जाती है। अब ये दोनों सोमसरी के घर के बाहर होते हैं, उन्हें वहाँ सोमसरी तो नहीं दिखती, लेकिन जब वह आगे बढ़ते हैं तो वहाँ खून दिखता है कॉमेश को। और वह जब छूकर देखता है तो वह कहता है ये बिल्कुल ताजा है यानी फ्रेश है। और जब वह लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डेड बॉडी मिलती है सोमसरी की, जिसे देख कर लीता डर जाती है। और अब ये चारों होते हैं यहाँ पे और कॉमेश का फोन आता है नरेश के पास और उसे शॉकिंग न्यूज मिलती है जो कि आपको पता है क्या न्यूज होगी। और वह बोलता है कि प्लीज तुम खुद ही बोल दो और वह फोन स्पीकर पे रख देता है और सभी को बताता है कॉमेश कि सोमसरी का मर्डर हो गया है। और यह बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं और सभी को शॉक लगता है। और इधर इट को भी पता चल चुका होता है और वह जॉन पहुन को शाबाशी दे रहा होता है कि वह तूने क्या काम किया है, लेकिन वह उसे बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने मारा होगा उसको। अब यहाँ पर यह सभी मर्डर वाली प्लेस पर होते हैं और कॉमेश आकर बताता है कि हमें जिस वेपन से सोमसरी को मारा गया है वह नहीं मिला है, यहाँ पर यहाँ केवल डेड बॉडी है और वह लोग अभी सर्च कर रहे हैं। और अब कॉमेश पुलिस वाले से बात कर रहा होता है एक, तो वहाँ पे एक ऑफिसर आकर उन्हें एक एविडेंस देता है और ये एविडेंस वही होता है इट के कोट का बटन। और लीजा बड़े ध्यान से देख रही होती है वो बटन को और इट उससे चिपक रही होती है तो इट उसे धक्का दे देता है और वह देख लेती है कि अरे भाई ये तो सेम ही बटन है। और वह कहती है बिल्कुल सेम बटन है, तो इस बार मतलब इट बहुत बुरा फंसा है। और अब इट इनकार कर रहा होता है कि ये मैंने नहीं किया है और मना कर जाने लगता है। तो पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो वह कहता है एक बटन के मिलने से आप मुझे मर्डरर साबित नहीं कर सकते हैं। और अब जॉन पहुन से कह रहा होता है इट कि इस बार तो मैं उस जुर्म में फंस रहा हूँ जो मैंने किया ही नहीं। यहाँ पर साई सोमसरी का कंप्यूटर चेक कर रही होती है कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी वह काम कर रही थी उस बारे में, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं मिलता है। और कॉमेश एक और पेन से कहता है केयरफुल लेने के लिए क्योंकि अभी यहाँ बहुत डेंजर है। और अभी तो यहाँ सबसे ज्यादा खुश नीचा है जो कि इट का बुरा हाल सोचकर बहुत खुश हो रही थी। अब यहाँ साई बहुत ही अपसेट होती है और कह रही होती है कि कितने लोगों की डेथ हो चुकी है पुर्रा में, ना जाने अब अगला कौन होगा। तो नरेश कहता है शायद मैं, तो यह बात सुनकर वह उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है नहीं तुम बिल्कुल ठीक रहोगे और वैसे भी तुम्हें पुर्रा का ख्याल रखना है जब तक नारी नहीं आ जाता। तो नरेश कहता है हाँ तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर साथ में इंतजार करेंगे नारिन का। तो साई उससे कह रही होती है अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई ये बात उसके पूरे होने से पहले ही वह उसका मुंह बंद कर देता है कुछ इस तरह से और उससे कहता है खबरदार जो ऐसी बात कही तो। और फिर वह बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और सीरियस होकर कह रही होती है कि नारिन नहीं है, नारिन तो जा चुका है अगर मुझे तो। फिर वह उसे बिठाल कर कहता है कि तुम्हें भला कैसे कुछ हो सकता है, तुम्हारे साथ मैं हूँ यहाँ पर। और अब उसके पास आ रहा होता है तो वह अपनी आईज क्लोज कर लेती है, लेकिन वह कुछ ऐसा करता है और उसे कहता है जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जब साई आ रही होती है तो वहाँ केवल अंधेरा होता है और वहाँ नरेश को आवाज लगा रही होती है, थोड़ी घबरा जाती है तो वहाँ अपनी सेफ्टी के लिए गोल्फ स्टिक उठा लेती है और आगे जाती है। और अब लाइट ऑन होती है और बहुत ब्यूटीफुल सा सरप्राइज मिलता है साई को क्योंकि नरेश रेड रोज लेकर आया होता है अपने हाथ में और उससे कहता है मैं जब तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हें पता है मैं क्या सोचता था कि मैं तुम्हारे साथ मस्त कैंडल लाइट
लाइट डिनर करूंगा और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। और उसे रोज देता है, वह रोज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसे कहती है सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। और फिर साई अपने दोनों हाथ खोलती है और नरेश उसे हक करता है आके। अब ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और साई भी उसे एक गिफ्ट देती है जो कि नरेश रख लेता है। अब यहाँ पर ये दोनों आराम कर रहे होते हैं और जब साई की नींद लग जाती है तो नरेश परेशान होता है, जो भी हुआ वही सब बातें सोच रहा होता है। और फिर उसे मियाई के घर में एक परछाई दिखती है तो वह सोचता है कि मियाई तो हॉस्पिटल में है, फिर वहाँ पर कौन था। और अब नरेश वहाँ जाकर देखता है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। और अब साई भी आ जाती है और वहाँ पूछती है क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। वह बताता है मुझे कोई दिखा वहाँ पर और साई को लगता है वह नारिन था तो वह उसे पुकारने लग जाती है। तो नरेश उसे समझाता है कि देखो डोर लॉक है, हम अंदर जाकर नहीं देख सकते और वैसे भी अगर नारिन होता तो वह हम दोनों को देख कर क्या सामने नहीं आता और उसे मना कर ले जाता है। अब मॉर्निंग में एक और पैन दोनों मियाई के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि साई को वह चाबी मिल चुकी होती है मियाई के बैग से। और जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं, वो बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि बॉक्स तो खाली थे। अब नरेश और साई दोनों साथ में जा रहे होते हैं, मियाई उन्हें रास्ते में मिल जाती है। साई पूछती है आप कहाँ जा रही हैं, तो वह कहती है हम घर जा रहे हैं। तो वह उसे कहती है क्या डॉक्टर ने आपको जाने को कहा। नर्स उसे कहती है हाँ डॉक्टर ने कहा है कि आप घर जाकर आराम करें। तो नरेश उससे पूछता है कि मियाई आपका ख्याल कौन रखेगा, क्या आप एक नर्स हायर करेंगी। तो वह कहती है भला मैं नर्स हायर क्यों करूंगी, मेरे पास तो पहले से ही एक नर्स है पुनरा में। तो नरेश पूछता है कौन, तो मियाई कहती है तुम्हारे बाजू में ही तो खड़ी है। तो यह बात सुन के दोनों को ही शौक लगता है कि भाई मियाई को क्या हो गया। तो साई मियाई से पूछती है क्या आप सच में चाहती है कि मैं आपका ख्याल रखूं। तो मियाई कहती है क्यों तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती, कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो साई कहती है हाँ मैं आपका ख्याल रख लूंगी लेकिन मुझे पुनरा का भी तो ख्याल रखना है। तो मियाई कहती है हाँ मुझे पता है, मेरे बेटे ने ही तुम्हें छोड़ के गया था कि पुनरा का ख्याल रखना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, नरेश तुम्हारे साथ है। और कहती है अगर तुम ख्याल नहीं रखना चाहती तो ठीक है मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वह कहती है नहीं नहीं ठीक है मैं आपको ले जाती हूँ। और ले जाने लगती है, नर्स उसे मियाई की मेडिसिन दे देती है और नरेश साई से कहता है कि मैं ले जाता हूँ मियाई को। और यहाँ पे इन दोनों की बहस हो रही होती है, तुमने उसको मार दिया, तुमने इसको मार दिया, सरेंडर कर दो। और तभी मियाई आ जाती है और ये दोनों गिरगिट इतनी जल्दी रंग बदलते हैं क्या बताएं। और मियाई से कहते हैं हमें आपकी बहुत चिंता थी। तो मियाई कहती है उस गनमैन की गन में इतना दम नहीं था जो मुझे मार सके। और फिर इनडायरेक्टली इन दोनों पर निशाना साधती है कि पुनरा में से जो भी है जिसने काम किया है उसको वह नहीं छोड़ेगी। और साई और नरेश के साथ चली जाती है। अब ये तीनों मियाई के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। नरेश कहता है चलिए मैं आपको कैरी करके लिए चलता हूँ। तो वह कहती है मेरे सर में चोट लगी है, पैरों में नहीं, मैं चल सकती हूँ। तो साई भी उसे समझाती है देखिए आप अभी हॉस्पिटल से आई है, आपको नरेश ले जाएगा। वह कहती है मैं चल सकती हूँ और खड़ी हो जाती है लेकिन वह गिरने वाली होती है। तो नरेश उसे संभाल लेता है और उसे अपनी गोदी में लेकर अंदर चला आता है। और अब वह उसे उतारने को कहती है और खड़े होकर अपने बेटे को पुकारने लगती है। तो मियाई की ऐसी बातें सुनकर साई बोलती है कि नरेश यहाँ कैसे हो सकता है। तो मियाई कहती है तुम्हें मैं पागल लग रही होंगी लेकिन मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर रही हूँ, नरेश सच में आ चुका है, उसने कहा था कि वह मेरा इंतजार करेगा। तो साई कह रही होती है उसे कि मुझे भी विश्वास है कि नरेश एक दिन जरूर आएगा। तो वह कहती है कि नरेश वापस आ चुका है और तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगे। और चिल्लाकर बोलती है प्रॉमिस करो। तो साई बोलती है हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर नरेश साई भी कहती है तुम भी प्रॉमिस करो। तो वह कहता है ठीक है और जाने लगता है। तो वह कहती है मेरे लिए एक कप चाय बनाओ नरेश। तो अब क्या करेगा, वहाँ मियाई की बात मानता है और जाता है और चाय बना रहा होता है। तो साई उसके पास आती है, वह कहता है आखिर ये मुझसे कराना क्या चाहती है। तो वह कहती है वह चाहती है कि तुम उनका ख्याल रखो। तो नरेश कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे कितनी नफरत करती है। तो साई उसे समझाती है देखो अब उनके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है, तुम ही उनकी फैमिली हो। तो वह कहता है कि मैं उनका कोई नहीं लगता। तो साई उसे समझाती है देखो तुम अपने लिए नहीं, मियाई के लिए नहीं, तो नारिन के लिए करो। तो नरेश कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुमने अपनी साइड चेंज कर ली है। तो वह कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। और फिर उसे थैंक यू बोलकर हग करता है। और हमें फिर से पीछे नरेन दिखाई देता है और नरेश भी देख लेता है लेकिन जब वह जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। और साई पूछती है क्या हुआ, तो वह कहता है मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मैंने किसी को देखा।